अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाए और काफी गपशप हुई, लेकिन दो तीन सवाल हैं, उनमें से मैं चाहूंगा कि एक आधा सवाल आपसे करूं, और वो कमर्शियल के हवाले से। हाई पॉइंट कमर्शियल, क्योंकि हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई है और बड़ी अच्छी है, अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम 65% जो उनकी डिमांड हम करते हैं, तो क्या ये भी बेल्टिंग का हिस्सा बनेगा, जाके इसको आगे की तरफ लेकर आप जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक तो आपके प्यार का, मोहब्बत का आपने दावत दी, मोहब्बतों का शुक्रिया। हम समझते हैं कि आप हमारे रावल दस्ते में काम करते हैं, आप जैसे दोस्त जो फेस होते हैं ना, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जज़ाकअल्लाह। शुक्रिया। तो बाकी बात हाइपर कमर्शियल की आप बात करें, वही तो हाइपर कमर्शियल राइट टाइम टू बाय है। दूसरी बात बैलेटिंग की आप कर रहे हैं, तो बैलेटिंग में अभी हाइपर कमर्शियल को शामिल नहीं किया, बट ये सेकेंड फेज के अंदर एच और ये दोनों एच रेजिडेंशियल और उसके जो इसके जो कमर्शियल और साथ में हाइपर कमर्शियल, ये सेकेंड फेज के अंदर बैलेटिंग के अंदर आ जाएंगे। बाकी राइट नो टाइम उसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट करने का, उसकी वजह ये कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हाइपर कमर्शियल को एलेबोरेट करूँ ना, कि आपका जैसे आपको सिविल सेंटर है बैरिया का, आपका इस तरफ ओवरसीज ब्लॉक है, साथ इस तरफ राइट के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ये उसका सेंटर आ रहा है। ये तकरीबन आपका बहुत अच्छा कॉम्बो बन रहा है, साथ में एक समझ 100 एकड़ के ऊपर तकरीबन यूनिवर्सिटी आ रही है, उसके साथ साथ एक सेंट्रल पार्क आ रहा है। ओवरऑल लोकेशन वाइज ये डावर जावा डैम की पीक के ऊपर आते हैं, जाहिर है कुछ प्लॉट पीछे भी आएंगे, लेकिन यह है कि लोकेशन वाइज इंतहा अट्रैक्टिव लोकेशन के ऊपर है। बट उसमें राइट नाउ जो टाइम है कि उसके अंदर अपनी डाउन पेमेंट दें और साथ में अपनी इंस्टॉलमेंट लेजर को अपडेट करें। क्यों, मैं अक्सर बात करता हूँ कि ईमान देख कर लाना और बगैर देखे लाना, दोनों में दर्जात का फर्क है। जाहिर है कि आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे बगैर न्यूज़ के, तो जाहिर है कि उसकी वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होगी। जब NOC और कंस्ट्रक्शन और हैवी कंपेन्स के बाद आप जाएंगे उस तरफ, तो फिर इसी प्लॉट का रेट तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ से ज्यादा का होगा, क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर जो जमीन कॉस्ट है वो मैं 1.5-2 करोड़ से नीचे सूट इन करता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।